नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ये बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो और ज़्यादा स्पोर्टी लगे। तो फॉर्च्यूनर के अंदर एक स्पेशल एडिशन आता है जिसको लेजेंडर हम बोलते हैं। रेगुलर फॉर्च्यूनर के अंदर आपको 4x2 और 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ 4x2 का ऑप्शन रहेगा और ये सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल रहेगी। और जो कलर ऑप्शन आपको रेगुलर फॉर्च्यूनर के अंदर मिलते हैं, टोटल आपको 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो लेजेंडर अवेलेबल है सिंगल कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगी, वाइट विद ब्लैक रूफ। तो ये ड्यूल टोन के अंदर अवेलेबल हो जाती है। फ्रंट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, सर्च आउट कीजिए कार क्वेस्ट 1 और वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जब गाड़ी को आप फ्रंट से देखते हैं जो इसके लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस ग्रिल पर, यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है, रफ ब्लैक फिनिश। एंड देन जब इसकी स्कर्टिंग्स आप देखते हैं, इसके साइड्स में जो एसेंट्स मिल रही हैं आपको, ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। ये अपर जो लाइन मिल रही है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश, एंड ये एक हेडलैम्प के ऊपर की तरफ ये आईब्रो शेप जो दे रहा है ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे है। देन जब हेडलैम्प यूनिट आप देखते हैं तो आपको ये क्वाड हेडलैम्प मिलते हैं, क्योंकि इनको 4 अलग अलग बॉक्स में दिया गया है। और ये LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, लो बीम पे ये 2 ऑन हो जाएंगे, हाई बीम पे ऑल 4 ऑन हो जाएंगे। और ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, जैसे आप ये लाइट्स ऑन करते हैं तो ये भी आपको ऐसा फील होता है कि ये भी ऑन है, जो इसके फ्रंट को काफ़ी एक अच्छी फील देते हैं। देन जब थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो ये आपको कम्प्लीट एक हाउसिंग मिल जाएगी, इसके अंदर आपको यहाँ पे फोग लैंप मिल जाएगा। और जो फोग लैंप भी मिल रहा है ये भी आपको LED फोग लैंप है। देन आपको फ्रंट में कॉर्नरिंग के लिए सेंसर्स अवेलेबल रहेंगे, एक इस तरफ मिलेगा, दूसरा आपको उस साइड अवेलेबल हो जाएगा। देन ये मैं नीचे का ये पार्ट और आपको दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये LED DRLs है, तो यहाँ पे DRLs ऑन हो जाएंगे। अगर इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर्स भी यहाँ पे ऑन होंगे। देन ये जो बम्पर भी आपको मिलता है ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, तो मतलब फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, जिससे गाड़ी के जो फ्रंट लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। और जो फ्रंट ये चिन गार्ड आपको मिल रहा है इसको सिल्वर फिनिश के साथ रखा गया है, जो गाड़ी के फ्रंट को एक डिफरेंट सी एक यूनिक सी फील देता है। देन बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे टोयोटा का काफ़ी बड़ा सा लोगो मिल जाएगा। और जो इस गाड़ी का इंजन हुड है इस पर जो ये कर्व्स दी गई हैं ये इस गाड़ी के जो फ्रंट के जो इसके बल्कि लुक्स हैं उनको और ज़्यादा ब्रॉड दिखाता है ये। तो ये थे फ्रंट, आप चलते हैं गाड़ी के साइड में और एक बार चेक करते हैं गाड़ी को साइड से। तो आप सभी जानते हैं कि जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है एक फुल साइज़ SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, साथ ही जो गाड़ी की हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। टायर साइज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। जब गाड़ी का टायर साइज़ आप देखते हैं तो यहाँ पे लेजेंडर के अंदर आपको 18 इंचज अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे ड्यूल टोन फिनिश के साथ, साथ ही जो टायर सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है 265/60 टायर सेक्शन अवेलेबल रहेगा। देन आपको ये जो स्लाइडिंग्स मिलती है ये व्हीकल के ऑल अराउंड यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। देन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो डोर्स पे आप देख रहे हैं, ये जो क्लैडिंग लगी हुई है जिसपे ये फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, ये बेसिकली एसेसरीज का पार्ट है। आपको रेगुलर गाड़ी के अंदर ही अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन एज एसेसरीज आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। फुट स्टेप्स आपको कंपनी फिटेड मिल रहे हैं ताकि आप इजीली आप अंदर एंट्री कर सके और एग्जिट कर सके। बात करते हैं मिरर्स की, जब आउटर मिरर्स आप देखते हैं तो बॉडी कलर मिरर्स आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ये रहेंगे विद LED ब्लिंकर्स। देन यहाँ पे आपको ये जो पार्ट आप देखते हैं इस वेस्ट लाइन पे भी क्रोम दी गई है, बी पिलर को ब्लैकआउट रखा गया है, साइज ही जो मिरर्स है इनका साइज भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। और ये थोड़े जब देखते हैं तो UV कट ग्लासेस ये दिए गए हैं, जिससे जब आप गाड़ी को कहीं धूप के अंदर पार्क करते हैं तो हीट थोड़ा कम होती है गाड़ी, और एक लुक्स भी काफ़ी अच्छी देती है। ऊपर की तरफ ये जो वाइजर्स आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, ये आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल करा सकते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी ग्रे कलर की फिनिश के साथ, ये फंक्शनल रूफ रेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन जब हैंडल्स आप देखते हैं तो हैंडल्स आपको मिल जाएंगे ये क्रोम फिनिश के साथ, और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। एक्सेस बटन यहाँ पे है, आपको जो डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं वो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो ये थे साइड प्रोफाइल, आप चेक करते हैं गाड़ी को रियर से। जब टोयोटा फॉर्च्यूनर को आप रियर से देखते हैं, जैसे जितने ब्रॉड लुक्स फ्रंट से हैं उतने ही ब्रॉड लुक्स आपको गाड़ी के रियर से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, देन इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। देन रियर शील्ड पे आपको वाइपर वॉशर डिफोगर वो सब अवेलेबल रहेगा। देन ये जो क्रोम है ये इस वेस्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है, जो ये डोर्स के ऊपर से जाती है तो ये कंप्लीट उसके साथ कनेक्टेड है। इसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाएंगी, और जो इनका साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पे आपको ये
लाइट्स मिल जाएंगी, ये इंडिकेटर बीच में, यहाँ पे बैक लाइट मिल जाएगी और ब्रेक लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। देन जब ये पार्ट आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेजेंडर है, तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे भी एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। जो फॉर्चूनर है वो यहाँ पे लिखा आपको दिखेगा, इधर की तरफ आपको लेजेंडर का बैज दिखेगा जिसके अंदर ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। देन ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्रोम का जो पार्ट है, ये एज एसेसरीज यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो पार्ट है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। देन जब बम्पर आप देखते हैं, रियर बम्पर, तो यहाँ पे ये ड्योल्टोन फिनिश आपको मिलेगा। ये जो मिल रहा है ये भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है, और ये आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएगा। टोटल 5 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल रहेंगे जो हेल्प करेंगे रियर पार्किंग में, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे रियर फॉग लैंप उस साइड भी अवेलेबल है, ये बोथ साइड मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी मिलेंगे, नीचे की तरफ स्पेयर व्हील है। एंड देन जब ये पार्ट आप देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, जो एक स्पोर्टी फील देने में इसकी हेल्प करता है। सेंसर्स के साथ ही आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाएगा, और जो कैमरा की पोजीशनिंग है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रखी गई है। ये थे रियर, अब एक बार बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। बूट को आप फ्रंट से भी एक्सेस कर सकते हैं, और की पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, साथ ही आपको किक इन सेंसर मिल जाता है। आप नीचे की तरफ जेस्चर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, साथ ही इसकी जो ओपनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। अभी ये जो सीट्स आप देख रहे हैं, एक सीट को मैंने ओपन रखा है ताकि आपको प्रॉपर स्पेस भी दिखाई दे, और एक सीट को मैंने फ़ोल्ड कर दिया ताकि इस तरह आप इसको भी फोल्ड करना चाहें तो इसको भी आप फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। इस रिक्लाइन एंगल को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और फोल्डिंग के लिए जस्ट आपको ये करना है, और ये कम्प्लीट इस तरह फोल्ड करके आप इसको यहाँ पर लॉक ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाएगी जो थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए और बूट के लिए यूजेस में आएगी। तो ये थे रियर, और जब इसको क्लोज करना है तो आपको यहाँ पे ये आपको बटन भी मिल जाएगा, तो आप जस्ट आपको ये बटन प्रेस करना है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बूट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये थे रियर और बूट स्पेस टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर के। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पर। तो जैसे ही आप रियर डोर ओपन करते हैं, जो डोर पैड्स आपको मिलेंगे ये ड्यूल शेड के अंदर आपको मिलेंगे। ये आपको ब्लैक और साथ में यहाँ पे मैरून शेड मिलेगा। ये जो रहेगा मैरून पार्ट जो मिल रहा है आपको, ये सॉफ्ट टच है, अगेन ये भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है, और जो स्टिचेज है ये मैरून कलर की यहाँ पे रखी गई है। ये आपको बीच बीच में आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स भी दिए गए हैं, और अगर इधर की तरफ आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी ये फॉर्चूनर रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे बोतल होल्डर अवेलेबल है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा। अब एक बार सीट्स का फैब्रिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो सीट्स आपको मिलेंगी वो लेदर फील सीट्स मिलेंगी, और ये भी आपको ड्यूल शेड के साथ मिलेंगी मैरून, और साथ में ये ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है। अब एक बार सीटिंग भी चेक कर लेते हैं। जो फ्रंट सीट्स हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है ताकि आपको जो स्पेस है वो प्रॉपर दिखाई दे सके। मैं इस तरफ चला जाता हूँ। देन जब आप देखते हैं तो रिक्लाइन एंगल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। यहाँ पे थाई स्पॉट प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। देन तीन बंदे अगर बैठना चाहें तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन सेंटर जो पैसेंजर है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो सीट्स हैं वो 60-40 फोल्डेबल रहेंगी, तो यहाँ बीच में ये थोड़ा गैप बच जाता है। सेंटर में एक आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही जो आपको हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं, टोटल 3 आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेंगे, और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। रियर पैसेंजर्स के लिए जो एसी वेंट्स मिल रहे हैं आपको, वो ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। यहाँ पे ये एसी वेंट अवेलेबल है, एक इधर की तरफ आपको मिलेगा, एक इधर की तरफ मिलेगा। सेंटर में इनके यहाँ पे कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऑफ आप करना चाहें, ऑटो और फैन स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में आपको वो शो करेगा। और रियर सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं, तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको 2 USB फास्ट चार्जर्स मिलेंगे, 2.1 एम्पियर के यहाँ पे आपको ये USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे मोबाइल के लिए स्पेस भी अवेलेबल है, और दोनों सीट्स के पीछे आपको ये हुक अवेलेबल हो जाएगी। अप टू 4 kg तक आप यहाँ पे वेट, कोई हैंग करना चाहें तो वेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये थे रियर सीटिंग कंफर्ट। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाड़ी की कीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह की की आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलेंगी। तो ये इस तरह की यहाँ पे की आपको मिलेंगी, ये 2 कीज़ अवेलेबल रहेंगी, इधर की तरफ लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग के लिए, और नीचे की तरफ टोयोटा लोगो अवेलेबल हो जाएगा। इस तरफ आप देखते हैं तो इधर की तरफ ये फॉर्चूनर रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये दूसरी की है, तो इस तरह की 2 कीज़ अवेलेबल होगी। अब एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस बटन इधर भी मिल रहा है, उधर की तरफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर्स जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूल टोन इंटीरियर्स यहाँ पे मिलेंगे, 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और जो सभी पावर विंडोज़ आपको मिलेंगी 1 टच डाउन 1 टच अप विद एंटी पिंच मिरर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे। यहाँ से फोल्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, बोतल होल्डर, स्पीकर, और ऊपर की तरफ यहाँ पे
ट्विटर भी अवेलेबल है। एक बार सिटिंग वो चेक कर लेते हैं। तो एंट्री के लिए आपको यहाँ पे फुट रेस्ट मिल रहे हैं और साथ में ये हैंडल भी मिल रहा है, तो ईजिली आप इसको ग्रैब करके अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं। जो ड्राइवर सीट है वो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेगी, 6-way इलेक्ट्रिकल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सेम आपको जो को ड्राइवर सीट मिल रही है वो भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल रही है। एक बार ये सारे कंट्रोल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाएगा सबसे ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, बूट ओपनिंग के लिए, पार्किंग सेंसर्स ऑफ के लिए, DPF का बटन आपको मिलेगा क्लोज के लिए, और नीचे की तरफ बोनेट ओपनिंग और ये फ्यूल लीड ओपनिंग के लिए। अब एक बार स्टेयरिंग भी आप देख लीजिए। तो जो स्टेयरिंग आपको मिल रहा है ये लेदर रैप स्टेयरिंग मिल रहा है आपको। इस पर जो स्टिचेस मिल रही है ये मैरून कलर की स्टिचेस आपको मिल रही हैं। बीच में यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ आपको ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए ये नॉब मिल रही है, क्रूज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे और दूसरी तरफ आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाएंगे। पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपको पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, ये प्लस के लिए, माइनस के लिए इधर की तरफ। अब बात करते हैं सामने की तरफ DIS की। जैसे ही इग्निशन आप ऑन करते हैं तो इस तरह का आपको ये सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। बिल्कुल बीच में DIS के अंदर आपको फॉर्चूनर आती दिखाई देगी आपकी तरफ। इधर की तरफ आपको ये RPM मीटर, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर, RPM मीटर के अंदर ही आपको वहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज, और इधर की तरफ आपको ये फ्यूल गेज मिल रही है। सामने डिस्प्ले में आपको सब दिखाएगा कि गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, और वो सब ऑप्शन सामने की तरफ आपको ये शो करता है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल कंसोल की। तो जब सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं, सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगी, डिजिटल क्लॉक मिलेगी, AC वेंट्स, देन यहाँ पे 8 inches का आपको ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है पैसेंजर एयरबैग एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन। यहाँ पे नीचे की तरफ AC के कंट्रोल्स ही आपको ये शो करता है। साथ में आपको ये कंप्लीट यहाँ पे नॉब्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके नीचे की तरफ जब आप देखते हैं, ये आपको स्पेस मिल रहा है, आप मोबाइल वगैरह यहाँ कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, एक आपको को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड, इसके साथ ही एक USB पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देन इधर की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है, और इस वेरियंट के अंदर आपको जो मिल रहा है एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये वायरलेस चार्जिंग अभी जैसे ऑन है, तो जैसे इसके ऊपर आप फ़ोन रखते हैं तो वायरलेस चार्जिंग, अभी जैसे ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पे जो आपको मिलेगा 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आप इसको बंद करना चाहें तो इससे कवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेजेंडर है आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ये मोड्स मिल रहे हैं, इकोनमी, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। जैसे आप इनको चेंज करते हैं तो सामने डिस्प्ले में भी आपको दिखाई देगा। और इधर की तरफ आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और इधर की तरफ ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। देन आपको ये सेंटर में आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जो ये फिक्स रहेगा, इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाएगी, कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब जब डैशबोर्ड आप देखते हैं तो डैशबोर्ड आपको ये मिल जाएगा ड्यूल शेड के अंदर। यहाँ पे बीच में आपको जैसे ये ब्लैक कलर और साथ में ये मैरून का यूज़ भी किया गया है, ये कम्प्लीट आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फॉर्चूनर भी लिखा हुआ है, तो इसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये कूल ग्लो बॉक्स है, आप कुछ भी यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आपको ये नॉर्मल ग्लो बॉक्स अवेलेबल हो जाएगी आपकी नॉर्मल स्टोरेज के लिए। देन इधर की तरफ आपको ये कप होल्डर भी मिल जाएगा, ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड ये दोनों तरफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देन ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे गॉगल्स होल्डर, और ये कंप्लीट आपको ये लाइट्स के लिए बटन्स मिल जाएंगे। देन जब वैनिटी मिरर आप देखते हैं तो ये आपको वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन अवेलेबल है, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड भी ये अवेलेबल रहेगा। उन लोगों के लिए जो सनरूफ को काफ़ी पसंद करते हैं, एक है कि अभी तक यहाँ पे फॉर्चूनर के अंदर सनरूफ अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी वेरिएंट में सनरूफ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये थे टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ग्लोब टोयोटा कुरुक्षेत्र के शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी टोयोटा की कार परचेज करने की, तो आपके लिए ग्लोब टोयोटा काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। पीछे मेरे आप देख भी सकते हैं लार्जेस्ट टोयोटा नेटवर्क इन नॉर्थ इंडिया, तो काफ़ी जगह आपको मिलेगी, लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, संगरूर, कैथल, जींद, यमुनानगर, तो काफ़ी जगह ग्लोब टोयोटा के शोरूम है। तो अगर आप पंजाब, हरियाणा या नियर बाय किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए डील ले सकते हैं। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स की। तो जो टोयोटा फॉर्चूनर है ये एशियाना एनकैप के अंदर 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है।
इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ड्राइवर को, ड्राइवर साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग, नी एयरबैग, तो ये सब एयरबैग्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रही हैं, ABS ब्रेक्स विद EBD हिल होल्ड कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर के अंदर अवेलेबल रहेंगे। अब बात करते हैं कार के इंजन की। जो रेगुलर फॉर्चूनर है वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगी, लेकिन लेजेंडर जो है सिर्फ डीजल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी। तो जो डीजल इंजन यहाँ पे आपको मिलता है 2.8 लीटर का इंजन मिलेगा, जो पावर जनरेट करता है 204 PS की, 204 PS की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। तो जो टॉर्क भी मिल रहा है आपको 500 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे टॉर्क मिलेगा, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपको कंपनी की तरफ से वारंटी मिल रही है वो 3 years और 1 lakh किलोमीटर्स की वारंटी स्टैंडर्ड मिल रही है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 years और 2.20 lakh किलोमीटर्स तक। तो अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। पहले जो प्राइसिंग थी वो डिफरेंट थी, लेकिन अब जो प्राइसिंग है टोयोटा ने फॉर्चूनर की प्राइसिंग जो है वो थोड़े चेंज की है, तो सभी प्राइसिंग आपको सामने टेबल पर दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ अभी लेजेंडर का प्राइस आपको बता देता हूँ, क्योंकि लेजेंडर के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएंट है 4x2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसका एक शोरूम प्राइस है 38,30,000। ये जो प्राइस है ये दिल्ली एक शोरूम प्राइस है। तो ऑन रोड जो प्राइसिंग है वो आप अपनी स्टेट और सिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। रेस्ट हमने एक रेगुलर फॉर्चूनर पे भी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर वेरिएंट का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, सर्च आउट कीजिए कारक्वेस्ट1 और वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।